गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चे, फर्स्ट क्लास का सिलेबस देखिए। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे, ठीक है। उर्दू में देखिए आपका सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर, सिलेबस फॉर होल ईयर। यहाँ आपको सिर्फ PA1 का सिलेबस देखना है। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे, तो उर्दू का सिलेबस में देखिए आप PA1 में 1 to 9 आ रहे थे, लेकिन हमने आपको 5 चैप्टर कर दिए हैं, क्योंकि आपको 9 नहीं करने हैं। अब आपके 5 चैप्टर आएंगे उर्दू सिलेबस में, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी बुक खोलनी है उर्दू की। यह आपकी उर्दू की बुक है, अदब ए उर्दू, ठीक है। सभी बच्चों को इसको बुक को खोलना है। ये बुक खोलिए सभी बच्चे। ये देखिए आपको फर्स्ट दिया हुआ है फहरिस्त असबाक। देखिए नंबर शुमार लिखा हुआ है, नाम सबक लिखा हुआ है, सहवा नंबर लिखा हुआ है। तो आप देखिए नंबर शुमार में हमने आपको बताया था कि 1 to 5 आपके PA1 में आ रहे हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था, आपको फर्स्ट चैप्टर हमने आपको Part 1 में आपको पढ़ा दिया रूफ, सेकंड चैप्टर हमने आपको Part 2 में पढ़ा दिया है, और थर्ड चैप्टर हमने आपको Part 3 में पढ़ा दिया, और लास्ट हमारा Part 4 रहा था जिसमें हमने आपको Chapter 4 पढ़ाया था। आज हमारा PA1 का लास्ट चैप्टर रह गया है, अल्फाज पढ़िए और समझिए। ये हमारा Part 5 में हम आपको आज पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हम आपको Part 5 में आज पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चों को क्या खोलना है, अपना चैप्टर खोलना है। देखिए आपको अब क्या करना है, अपना चैप्टर खोलिए सभी बच्चे। Chapter 5 आपको आज पढ़ाएंगे हम। तो ये Part 2 में हमने आपको Chapter 2 पढ़ा दिया। Part 3 में हमने आपको Chapter 3 पढ़ाया था। Part 4 में हमने Chapter 4 पढ़ाया था। आज हमारा Chapter 5 हम आपको Part 5 में कराएंगे, ठीक है। अब सभी बच्चों को क्या करना है, सभी बच्चे बुक खोलिए Page 13। पेज नंबर कौन सा है आपका, देखिए पेज नंबर मैं आपको शो करा देती हूँ। ये आपका पेज नंबर है 13, आपको इसे खोलना है, और Chapter 5 अल्फाज पढ़िए और समझिए। चैप्टर का नाम क्या है आपका, अल्फाज पढ़िए और समझिए। रीड एंड लर्न द वर्ड्स, रीड एंड लर्न द वर्ड, पढ़िए और याद करिए अपना सबक को, ठीक है। इमारत, समझना है हमें क्या कह रहा है अल्फाज और पढ़ना है। एन बना हुआ है, ये एन है ना, आपको सबको पता है एन होता है, इसके मैंने बताया तो हरूफ के नीचे जो ये लगता है ये जेर होता है, मीम की शक्ल है। देखिए इसमें अलिफ मिला हुआ है, क्या हो गया, एन जरे मीम अलिफ जबर मार रे ते जबर रत इमारत। पेश बना हुआ है ऊपर, तो हम किसकी आवाज़ निकालते हैं, हमने आपको बताया था ऊ की आवाज़ निकालते हैं। तो अलिफ वापिस ऊ नून साकिन ऊन। औजार, अदरक अलिफ देर दाल जबर अद रे का जबर रक अदरक। बस्ता, बे देखिए सबके आप शक्ल देख सकते हैं, बे देखिए सीन की शक्ल दी हुई है, ते की शक्ल दी हुई है, वो अलिफ से मिली हुई है। तो बस्ता, तलवार, स्कूल, दर्जी, ठीक है। अल्फाज पढ़ने हैं इसको आपको, ये देखिए अलिफ को नून से मिलाना है, तो अलिफ नून जर एन सीन अली जबर सा नून साकिन इंसान। वजन, मेहमान, रोज़ा, अनवार, दामन, मासूम, कासिम, शलवार, मोहसिन, जंगल, तालिब, खड़ी, राशिद, इमारत, अरब, माबूद, ईमान, दौड़ा, आखिरी, ये जो होता है आपका मद होता है इसको खींचना पड़ता है, तो आखिरी, और आक, करीब, मोमिन, मोहन, राख। देखिए दो चश्मे हैं को काफ से मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, खा, तो राख, ठीक है। इस तरीके से आपको इस चैप्टर को करना है। अब पेज को टर्न करिए, पेज नंबर 14 खोलिए, एक्सरसाइज देखिए। दर्द जैल हरूफ से शुरू होने वाले 4 अल्फाज लिखिए। आपको इसको अलिफ से शुरू होने वाले 4 अल्फाज लिखने हैं, दाल से शुरू होने वाले 4 अल्फाज लिखने हैं, जो आपको हरूफ दिए हुए हैं
उसके से मिलते जुलते चार अल्फाज लिखने हैं आपको शुरू होने वाले उसके। जैसे अलिफ से अदब होता है, शुरू हुआ है क्या, अलिफ से शुरू हुआ है तो हमने अदब लिख दिया, लिखा हुआ है देखिए अलिफ से जो शुरू होने वाले होते हैं वो चार अल्फाज लिखने हैं, दाल से जो शुरू होने वाले होते हैं वो चार अल्फाज लिखने हैं, दाल से जो शुरू होने वाले होते हैं तो वो चार अल्फाज लिखने हैं, रे से जो शुरू होने वाले होते हैं वो चार अल्फाज लिखने हैं, वाव से जो शुरू होने वाले हैं वो आपको चार अल्फाज लिखने हैं। तो सबसे पहले अलिफ के लिखेंगे, देखिए आपको अदब फर्स्ट जो है फिल है, आपको आपको एग्जांपल के लिए आपको बताया गया है कि क्या किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है अलिफ से शुरू होकर, हम दूसरा करेंगे, हम दूसरा लिखते हैं इंसान, अलिफ से शुरू होगा ना इंसान भी, नून की शक्ल बनाएंगे फिर सीन बनाएंगे, सीन को अलिफ से मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इंसान, जेर लगाएंगे यहाँ, ठीक है, ये हो गया इंसान। अनवर, नून का वो शक्ल बनाएंगे वाव से मिला देंगे, ज़बर लगाएंगे क्योंकि आ की आवाज़ आ रही है, वाव को अलिफ से मिलाएंगे, रे साकिन करेंगे, ठीक है। अनवर, अरब, आपको पीछे भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो पीछे से भी देखकर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने किस तरीके से लिखना है, फर्स्ट लिखा है इंसान, सेकंड लिखा है अनवार, थर्ड लिखा है अरब। नीचे हमें क्या करना है, दाल से शुरू होने वाले अल्फाज लिखने हैं, तो लिखेंगे दामन, पहले लिखेंगे हम दामन, दाल अलिफ जबर दा, मीम नून जबर मन, दामन, मीम की शक्ल बनाएंगे बस, और इसको इससे मिला जबर होता है, ये हो गया दामन। सेकंड लिखेंगे दौड़ा, दाल वापस दो होता है ना, अड़े वापस ले अड़ी दौड़ा दौड़ा। थर्ड लिखेंगे दर्जी, दाल रे जबर दर, जे ये जिर जी दर्जी, जे जे येर जेर जेर आएगा, ठीक है। हुरूफ के नीचे लगाते हैं दर्जी, दाल अलिफ जबर दा, दाल अलिफ जबर दा दा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, नीचे डाल के बताने हैं हमें तो डाल के करेंगे, नीचे देखिए डाल के दिए हुए हैं आपको, तो ये लिखेंगे, फास्ट लिखेंगे डमरू, डाल बनाएंगे क्योंकि डाल से शुरू करना है, मीम की शक्ल बनाएंगे, वाव बनाएंगे डमरू। सेकंड लिखेंगे डलिया, थर्ड लिखेंगे डोर, डाल वापिस डो, रे सेकंड डोर, थर्ड लिखेंगे डाकू, नीचे देखिए रे से शुरू होने वाले लिखने हैं तो रे के लिखेंगे रोजा, रोजा, फिर लिखेंगे राशिद, शीन की शक्ल बनाएंगे दाल से मिला देंगे राशिद, ठीक है। राख, रे अलीजा और राख, राख में मैंने आपको बताया था राख, अब लिखेंगे राग, अब नीचे लिखने हैं आपको वाव के, तो वाव का पहले हम लिखते हैं वजन, जे नून जबर जन वजन, अब सेकंड लिखेंगे वर्दी, जेर लगाएंगे दाल के नीचे
वर्दी फिर लिखेंगे वाहिद, वाहिद फिर लिखेंगे बरक, बरक। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने करा है। देखिए दाल से मैंने बनाया है दामन, दौड़ा, दर्जी, दादा। फिर देखिए दाल से क्या बनाया है, डमरू, डलिया, डोर, डाकू। फिर देखिए बनाया है रोज़ा, राशिद, राख, राग। फिर देखिए वाव से बनाया है वजन, वर्दी, वाहिद, वरक। ठीक है, ये आपके हमने आपको चार चार हरूफ अल्फाज आपके बनाकर दिखा दिए हैं हरूफ से। अब नीचे खाली जगह देखिए, खाली जगहों में हरूफ लिखकर अल्फाज मुकम्मल करिए कीजिए। तो हमें आप करना है, एक ही केस में अल्फाज छूटा हुआ है तो उसका सिर्फ अल्फाज लिखना है हमें। एहसास, ये अली बना हुआ है, हे बना हुआ, सीन बना हुआ, उसकी शक्ल अलीफ से मिली हुई है तो क्या होगा, सीन बना देते हैं। एहसास या एहसान कुछ भी कर सकते हैं। ये हिम्द बना हुआ तो अहमद कर देते हैं, अलीफ बना देते हैं। ठीक है, आहबास कर देते हैं, जे बना देते हैं। तारा कर देते हैं, रे अलीफ ज़वर्रा बना देते हैं। ठीक है, आखरी कर देते हैं, ये बना देते हैं। गोरा कर देते हैं, यहाँ इमारत। ठीक है, अदरक अली बना देते हैं। नीचे देखिए वर्दी दाल बना देते हैं, छोड़ो वाव बना देते हैं, अली बना देते हैं इंसान, वर्रे वाज रोजे हेज वर्जा रोज़ा, रे अली जवर्रा ते साकिन रात, सलाम, दादा, कुर्बान। ठीक है, इस तरीके से आपको एक एक हर्फ लिखना है अपना। और देखिए फर्स्ट बना एहसास, सेकंड बना है अहमद, देखिए थर्ड आवाज़, तारा। नीचे देखिए आपकी सेकंड की फर्स्ट अल्फाज देखिए, आखिरी, गोरा, इमारत, अदरक। थर्ड लाइन का फर्स्ट देखिए, वर्दी, छोड़ो, इंसान, रोज़ा। फोर्थ का फर्स्ट देखिए, रात, सलाम, दादा, कुर्बान। देखिए हमने आपको ये पेज कंप्लीट करा के दिखा दिया आपको। अब आपको क्या करना है, इसे कॉपी में करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना कॉपी खोलेंगे। उर्दू की कॉपी कौन सी है आपकी, ये वाली उर्दू की कॉपी है। मैंने आपको बताया था उर्दू का काम हमेशा यहाँ से शुरू होता है, पीछे की तरफ से। ठीक है, पहला हमने आपको चैप्टर करा दिया है पार्ट वन में, सेकंड चैप्टर हमने आपको पार्ट टू में कराया है, थर्ड चैप्टर हमने आपको पार्ट थ्री में कराया है, चैप्टर फोर हमने पार्ट फोर में कराया है। अब हमारा क्या रह गया है, चैप्टर फाइव। ठीक है, तो हम आपको चैप्टर फाइव कराएंगे, यानी सबक नंबर फाइव। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना पार्ट शो करेंगे। पार्ट फाइव, सबक नंबर क्या है आपका, फाइव। ठीक है, फिर चैप्टर का नाम लिखना है आपको, क्या है चैप्टर का नाम, अल्फाज पढ़िए, और समझिए। ठीक है, ये आपका हो गया चैप्टर का नाम। अब क्या करना है आपको, इसमें एक्सरसाइज करेंगे कॉपी पर। सिर्फ ये फर्स्ट वाला कर लेंगे, थर्ड जैल ग्रुप से शुरू होने वाले चार अल्फाज लिखिए। ठीक है, तो यही करेंगे सबसे पहले, हेडिंग शो कर, हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले कॉपी पर।
दर्ज ज़ैल हुरूफ से शुरू। अगर कॉपी पे समझ में नहीं आए तो आप सब अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं, बुक पर आपके दिए हुए हैं दी हुई एक्सरसाइज में हेडिंग, देखिए ये हेडिंग मैं लिख रही हूँ कॉपी पर, शुरू होने वाले चार अल्फाज लिखिए, ठीक है। आप सभी बच्चे अपनी बुक की हेल्प से भी लिख सकते हैं, मैंने बुक से देखकर ही लिखी है हेडिंग। सबसे पहले हमें किसके लिखने थे, अलिफ के लिखने थे, तो अलिफ के लिखेंगे सबसे पहले हमें अलिफ के लिखने थे, तो मैं डैश कर देती हूँ कि हमें कितने लिखने हैं, मैं है ना, चलो मैं यहाँ कर देती हूँ। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट पहला फिल था वो लिखा हुआ था अदब, ठीक है, पहले बुक में फिल करना है फिर कॉपी में। सेकंड था इंसान, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, कॉपी में देखते रहेंगे करते रहेंगे, बुक की हेल्प से करेंगे सभी बच्चे, इजी रहेगा आपको। देखिए मैंने फर्स्ट लिख लिया है, फिर हमें लिखने हैं दाल की, तो दाल के लिखेंगे, यहाँ मैं डैश कर देती हूँ, डैश से आपको पता चल जाएगा कि आपको चार लिखने हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा था, दाल का लिखा था फर्स्ट हमें दामन, फिर लिखा हमने दौड़ा इस तरीके से, ठीक है, फिर हमने लिखा दर्जी, फिर लिखा हमने दादा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हम थर्ड हमारा डाल, अब हम इसके लिखेंगे, डैश कर देते हैं पहले, डाल का पहले क्या था डमरू, ठीक है, इस तरीके से। फिर था डलिया, ठीक है, फिर था डोर, फिर था डाकू, अब डाल के नीचे क्या था रे, अब हमें इसके रे के लिखना है, यहाँ पर रे का बुक पे क्या लिखा हुआ था पहले रोजा, पहले डैश कर देते हैं, इस तरीके से डैश कर देते हैं, पहले लिखा हुआ था रोजा, फिर लिखा था राशिद, फिर लिखा है राख, फिर लिखा है राग। सब बच्चे साफ साफ करेंगे कॉपी पर कि समझ में आ जाए सबके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक और रह गया है, वाह पार्ट फाइव चल रहा है, याद रखिएगा सभी बच्चों को, वाव का लिखना है हमें, डैश कर देते हैं पहले,
इस तरीके से करती हूँ मैं नीचे, ठीक है। पहले लिखा था हमारा वज़न, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिर लिखा है वर्दी, वाव के ऊपर जबर लगेगा, दाल के नीचे जेर लगेगा, ठीक है। फिर लगना है वाहिद, फिर है वरक, ठीक। मैंने किस तरीके से करा, नीचे खाली जगह जो दी हुई है आपको, सिर्फ आपको बुक पर छोड़नी है। एक चीज़ करेंगे हम, सिर्फ हमने आपको चार चार रूल्स लिखवा दिए हैं कॉपी पर, आपको खाली जगह जो नीचे हमने आपको बुक पर कराई थी वो बुक पर ही रखनी है। नीचे वाली, ये नीचे वाली आप बुक पर ही रहेंगे, ये ऊपर वाला हमने कर दिए कॉपी पर, नीचे वाला आप बुक पर ही रहने देंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको कॉपी किस तरीके से कराया है। सबसे पहले मैंने आपको सबक नंबर 5 लिखा है, फिर अल्फाज पढ़िए और समझिए चैप्टर का नाम, फिर दर्जेल हरूफ से शुरू होने वाले चार चार अल्फाज लिखिए, ये मैंने आपको हेडिंग लिखाई है। फिर अलिफ्स के चार हरूफ लिखवाएं, देखिए चार अलिफ के चार अल्फाज लिखवाएं, अदब, इंसान, अनवार, अरब, क्योंकि मैंने बुक पर भी लिखवाए थे। फिर मैंने दाल के चार अल्फाज लिखवाएं, दामन, दौड़ा, दर्जी, दादा, ठीक है। फिर मैंने डाल के लिखवाएं, डमरू, डलिया, डो, डाकू, ठीक है। फिर रे के बनवाए हैं मैंने, रोज़ा, राशिद, राख, राग, इस तरीके से। फिर मैंने लास्ट 5 मैंने पीछे पेज पर लिखा था वजन, वर्दी, वाहिद, वरक, इस तरीके से करना है। वज़न में देखिए हम जे का नुक्ता लगाना भूल गए, तो हम यहाँ नुक्ता लगा देते हैं वज़न में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया पार्ट 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले आपको बुक पर चार अल्फाज लिखने हैं, जो भी आपके दिए हुए हैं अलिफ से, अलिफ के चार अल्फाज लिखने थे हरूफ वाले, वो हमने लिखवा दिए, खाली जगह हमने लिखवा दी कॉपी पर। हमने सिर्फ आपके ये क्या करवाया है, चार चार अल्फाज लिखवाए, दर्जल हरूफ से शुरू होने वाले चार चार अल्फाज, ये हमने आपको बुक पर कराए, खाली जगह हमने, सॉरी, हमने आपको क्या कराया है कॉपी पर, दर्जल हरूफ से शुरू होने वाले चार चार अल्फाज लिखिए, ये हमने आपको कॉपी पर कराया है। और बुक पर हमने दोनों चीज़ कराई है, लेकिन कॉपी पर सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, ये वाली, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको हमने आपका PA1 यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। सभी बच्चों को डेट शो करनी है अपनी वीडियो की। अगर आपके पीछे के चैप्टर छूट गए हैं तो आप अपनी वीडियो देखिए प्लीज़, लास्ट वीडियो अपनी वीडियो प्रीवियस वीडियो चेक करिए, अपना वर्क कंप्लीट करिए, फिर 5 चैप्टर करिए, क्योंकि आपको लाइन से सब चैप्टर करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपको करने हैं, जिस तरीके से मैंने करे हैं कॉपी पर, इस तरीके से ही आपको करना है। अपना वर्क कंप्लीट करिए, यहाँ हमारा चैप्टर 5 में PA1 सिलेबस कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।